हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टिक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और फ्रेंड में शेयर भी कर दें इसे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है ये चंडीगढ़ से शिमला का कंप्लीट टूर वीडियो है। इसमें शिमला में आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पर आपको होटल सस्ते मिलेंगे, आप सिंगल हो डबल हो तो कैसे आपको कहाँ उतरना, ओल्ड बस स्टैंड पर उतरना है, ये बस आपको न्यू बस स्टैंड पर उतरेगी, तो सबकी जानकारी हम आपको इस पूरी वीडियो में देंगे कंप्लीट। तो आइए सबसे पहले खूबसूरत नज़ारे के साथ, ये देखिए कितना सिस्टमेटिक शहर बसा हुआ है चंडीगढ़, ये अंग्रेज़ों ने बसाया है। यहाँ पे देखिए ये ओल्ड इंजन है। सबसे पहले हम आपको पूरा व्यू देते हुए चलेंगे। तो ये स्टेशन का व्यू है, ये देखिए ओल्ड इंजन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने इसको डेकोरेट करके रखा है। और स्टेशन से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अभी ये देखिए इंजन, यहीं पे बगल में आपको बस स्टैंड मिलेगा, वहाँ से आपको बस मिलेगी डायरेक्ट। फ्रेंड, यहाँ से आपको हम बस का अपडेट देते हैं। फ्रेंड, वो बस भाई यहाँ से बस स्टैंड तक की वीडियो डिलीट हो गई है, सॉरी। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे यहाँ जहाँ ये रोड ख़त्म होगा वहीं पे आपका राइट साइड में बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर आपका वहाँ से आपको देखिए चंडीगढ़ में दो बस स्टैंड है, वो पूछेगा कौन से पे जाना है तो आप बताना मुझे। शिमला के लिए बस मिलेगी वो सेक्टर 43 वाले बस स्टैंड से, या आप सीधे बोल सकते हो सेक्टर 43 बस स्टैंड, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे उतार देगा। बस स्टैंड तक ही बस जाती है वहाँ पे, और नॉर्मल फेयर है, 30 रुपये लिया था बस वाले ने। ऑटो से भी आप जा सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन जब देखते होंगे तो शिमला का बस दिखाता होगा, एक मॉर्निंग में इवनिंग में काफ़ी टाइम दिखाता है। अब डायरेक्ट वहीं पर जाओ, हर आधे घंटे पर आपको शिमला की बस मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, ये वहाँ का टिकट है शिमला का, चंडीगढ़ से शिमला, डिस्टेंस 122 किलोमीटर और इस समय जो फेयर है 249 रुपये। अब फ्रेंड, ये बस बीच में खड़ी हुई है नाश्ते पानी के लिए, नाश्ता पानी आप यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब ये हिमाचल आ चुकी है, धर्मपुर के पास में है। अब फ्रेंड, आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी है, ये जितनी बस जाती हैं फ्रेंड वो IGBT न्यू बस स्टैंड पे जाएंगी शिमला। तो आपको जितने भी होटल होते हैं वो रेलवे स्टेशन और ओल्ड बस स्टैंड के बीच में, वहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे और धर्मशाला मिल जाएगा। अगर आप घूमने जा रहे हो, महंगा होटल चाहते हो तो महंगे से महंगा होटल है, और आप थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हो कम बजट में तो आपको धर्मशाला प्रेफर करना पड़ेगा। धर्मशाला के लिए फ्रेंड आपको सुबह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा भी देर करोगे धर्मशाला बुक हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम ये भी होता है धर्मशाला में कि मान लीजिए कोई फंक्शन है शादी का तो उसमें वो पूरा धर्मशाला ही बुक करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा पहले जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ तो आपको आराम से मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड आपको जैसे ओल्ड बस स्टैंड जाना है तो आप बस वाले भैया जो भी हैं उनसे आप बोल देना मुझे भैया ओल्ड बस स्टैंड जाना है, तो आपको बीच में ही बाईपास पर उतार देंगे। बाईपास से आपका 7 रुपये, फिर वहाँ से बस मिलेगी आपको, गवर्नमेंट बस ही मिलेंगी, वहाँ से आपका 7 रुपये लगेगा बाईपास से, वो आपको ओल्ड बस स्टैंड ले आएंगी। ये है फ्रेंड ओल्ड बस स्टैंड शिमला का, ये देखिए आपको शिमला दिख रहा है ओल्ड बस स्टैंड। हाँ, आपको पूरा यहाँ से नज़ारा दिखा देते हैं कैसे आपको दिखेगा, ताकि आपको यहाँ पे डायरेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फ्रेंड गूगल मैप में होता है यहाँ पे बगल में दो रोड जाती है, एक ऊपर चढ़ाई चढ़ेगी नीचे जाएगी तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है,
हम यहाँ पे दोपहर में ही पहुँच गए हैं फ्रेंड। ये देखिए दोपहर का नज़ारा है, क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे शिमला का। ये देखिए बस स्टैंड है, यहाँ बस खड़ी है, ये ओल्ड बस स्टैंड है। आपको बस वाले से बोलना पड़ेगा, भैया मुझे बस ओल्ड बस स्टैंड जाना है, वो आपको बाईपास पे उतार देगा। तो फ्रेंड आप बस बाईपास से वहाँ पे आपको बस मिलेगी, चाहे वहाँ से ऑटो भी मिल जाएगी, ऑटो क्या ई रिक्शा मिल जाती है, वो आपको छोड़ देगी यहाँ पे। फिर देखिए फ्रेंड अब आपको कहाँ पे रूम मिलेगा, तो आप ओल्ड बस स्टैंड से आएंगे तो आपको, अभी मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, उधर भी एक धर्मशाला है तो वहाँ मुझे मिल गया था, एक लेफ्ट साइड में भी है, लेफ्ट साइड वाला भी उस दिन मैंने पता किया था तो वो बुक था, वहाँ पे शादी के कोई फंक्शन से उन्होंने पूरा धर्मशाला ही बुक किया था। तो उन्होंने कहा था कि, उन्होंने बताया था कि आप ओल्ड बस स्टैंड से थोड़ा सा और आगे जाओगे 250 मीटर तो वहाँ पे आपको एक धर्मशाला मिलेगा। धर्मशाला का नाम अभी आपको दिखा देते हैं वीडियो में ही। ये देखिए फ्रेंड ये आपको पूरा दिखाते हैं ओल्ड बस स्टैंड, ये देखिए पुराना बस स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ था, इससे आप आपको सीधे जाना है। एक बगल में सीढ़ी आएगी, सीढ़ी पे आपको नहीं चढ़ना है, पहली बार मैं गलती से सीढ़ी पे ही चढ़ गया था, फिर वहाँ से फिर मैं घूमते घूमते आया। तो यहाँ पे घूमने का मतलब है चढ़ाई काफ़ी चढ़नी पड़ती है यहाँ पे। तो आप यहाँ से सीधे जाएंगे, ये देखिए ये सीढ़ी दिख रही है, इस पे आपको नहीं चढ़ना है डायरेक्ट, ये देखिए ओल्ड बस स्टैंड से आप सीधे सीधे चलेंगे, करीब 200 मीटर, 200 या 300 मीटर होगा। अब देखिए सामने आपको सीधे चलना है, सीधे चलते रहना है। ये देखिए यहाँ ट्रैफिक काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद मिलेगी हमेशा। देखिए आप सीधे जाएंगे यहाँ पे, बस आपको सीधे जाना है, करीब 50 मीटर तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ से बस 150 मीटर बचा होगा। अभी जैसे ही घूमेंगे आगे, यहाँ पे आपको दुकानें भी हैं, यहाँ भी आप खाना खा सकते हो और धर्मशाला के अंदर भी आपको होटल मिल जाएगा, वहाँ भी आप। फ्रेंड अभी दोपहर ही है लेकिन ये ठंडी का टाइम है तो शिमला में थोड़ा लग रहा है शाम हो गया है, लेकिन क्या 2 बजे के आसपास ही मैं पहुँच गया था और थोड़ा घूमते घूमते हो गया था। तो ये हमने वीडियो शाम को रिकॉर्ड किया है वहाँ पे रूम लेने के बाद। तो ये देखिए शाम को आप बस थोड़ा सा ये आके जाएंगे, अब आने ही वाला है। ये देखिए ये आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, इसके जस्ट बगल में ही ये देखिए ये है पूरनमल धर्मशाला, आप किसी से पूछ भी सकते हैं। फिर इसके अंदर आप आएंगे, देखिए अंदर आएंगे, बाहर आपको मिलेंगे वो कि आपको रूम दिला दें, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आप इसके अंदर आइए। ये देखिए इसका बगल में ये काउंटर है, सीढ़ी पे चढ़ेंगे, आपको यहाँ पे इंक्वायरी, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी वो लेते हैं, फिर आपकी सिक्योरिटी मनी लेंगे। अब आपको दिखा देते हैं ये पूरा धर्मशाला कैसा है। ये देखिए राय साहिब धर्मशाला है, साफ सफाई है यहाँ पे। तो फ्रेंड जब मैं गया था यहाँ पे तो यहाँ रूम बुक हो गए थे, रूम का यहाँ पे फेयर है 400, उसमें आपको सेपरेट लेटरिन बाथरूम मिलेगा और 300 में कॉमन लेटरिन बाथरूम होता है, और आपका एक डॉर्मेट्री है, यहाँ पे डॉर्मेट्री है, वहाँ पे 15 या 20 बेड हैं। ये देखिए इसका कैंटीन है, ये साफ़ सफाई यहाँ रखा है काफ़ी इन्होंने, ये नीचे इसका हॉल भी है। ये देखिए इसका कैंटीन है, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा शाम को 6 बजे से, और सुबह आपको नाश्ता भी मिलता है यहाँ पे, दोपहर का खाना मिलेगा। ये सब देखिए रूम है, ये सब बुक हो चुके थे उस दिन, सिर्फ ये डॉर्मेट्री हॉल है। अब यहाँ पे बेड पड़े हैं आपके, ये देखिए एक लाइन से, और ये देखिए उसका पूरा व्यू है, भोजनालय। ये देखिए ये रूम है, ये 400 वाला रूम है,
और ये डॉर्मेट्री उस दिन खाली थी। डॉर्मेट्री का फेयर है फ्रेंड, डॉर्मेट्री का एक बेड का फेयर था 60 रुपये है शायद, और आपका 100 रुपये सिक्योरिटी जमा होता है। ये भी काफ़ी साफ़ है, आपको यहाँ पे रजाई मिलेगी क्योंकि ठंड अच्छी पड़ती है, इस रजाई में काम चल जाएगा आपका, पूरा पैक होता है ये। और ये देखिए, ये खाने का आपका मेनू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाय है आपकी और जो भी थाली है। तो थाली इन्होंने अभी इसमें जो प्राइस लिखा है वो थोड़ा कम है, इस समय इन्होंने बढ़ा दिया है। मैं खाया था तो एक थाली पड़ी थी 70 रुपये की थाली, और खाना काफ़ी 70 रुपये वसूल था, काफ़ी स्वादिष्ट खाना था। और सुबह आपको पराठा मिलेगा जो कि बाहर मिलेगा आपको 30 रुपये, यहाँ मिलेगा 25 रुपये। तो फ्रेंड थोड़ा महंगा है शिमला। ये देखिए पूरा कैंटीन आप देख सकते हैं क्या क्या खाना मिलेगा यहाँ पे। ये थोड़ा पुराना है, अब यही 5-10 रुपये बढ़ गया है। ये बेड है, आप बेड देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो, और डबल हो तो आपके लिए रूम एक 400 है, जिसमें है अटैच लैट्रिन बाथरूम,